मिशन कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिक के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा कि आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। थाना सिविल लाइन अंतर्गत मिशन कॉलेज में लग रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग करते हैं। ज्ञातों के प्रदर्शनी की अनुमति 20 जून तक थी, जो आज भी प्रदर्शनी चल रही है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज में प्रदर्शनी लगी हुई है, जिससे कि लड़कियों को स्कूल आने जाने में परेशानी पड़ती है, यातायात बाधित होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रात के 2 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों की नींद में भी खलल पड़ता है। इसलिए शिव सैनिक मांग करते हैं कि थाना सिविल लाइन अंतर्गत मिशन कंपाउंड में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाया जाए, अन्यथा 3 दिन बाद शिव सैनिक कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर संतोष कुमार, अमित, विमल, सुनील, योगेंद्र कुमार आदि शिव सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या मांग है आपने? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में थाना सिविल लाइन अंतर्गत मिशन कॉलेज में लग रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि प्रदर्शनी की अनुमति 20 जून तक थी, जो आज भी प्रदर्शनी चल रही है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज में प्रदर्शनी लगी हुई है, जिससे कि लड़कियों को स्कूल आने जाने में परेशानी पड़ती है, यातायात बाधित होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रात 2 बजे तक तेज आवाज़ में डीजे बजाया जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों की नींद में भी खलल पड़ता है। चोरी आदि की घटनाओं से पुलिस को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः शिव सैनिक मांग करते हैं कि थाना सिविल लाइन अंतर्गत मिशन कंपाउंड में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगा जाए, अन्यथा 3 दिन बाद शिव सैनिक कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।